प्रदेश सरकार पॉली हाउस लगाकर किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने की योजना धरातल पर धराशायी हो रही है। सरकार का सौतेला व्यवहार पॉली हाउस मालिकों पर भारी पड़ने लगा है। ऐसे में किसानों का पॉली हाउस के प्रति मोहभंग होने लगा है। हालत ऐसी है कि ज्यादातर पॉली हाउस खाली पड़े हैं। इनमें कई पॉली हाउस फट चुके हैं, लेकिन उनकी मरम्मत करने के लिए अभी तक का अनुदान नहीं मिल पाया है। अगर बड़सर उपमंडल की बात की जाए तो वहाँ के किसानों ने अपनी आर्थिक स्थिति का सुधार भी इससे नहीं हो पाया है। वहीं बड़सर उपमंडल में कई किसानों ने अपनी आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए पॉली हाउस का निर्माण करवाया, लेकिन कृषि विभाग की बेरुखी ऐसी भारी पड़ी कि लाख कोशिश और दिन मेहनत के बावजूद भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है। किसान पॉली हाउस में डालने वाले बीज व खाद कृषि विभाग के विक्रय केंद्रों पर ना ही उपलब्ध हो पाते हैं और ना ही इन बीजों व खाद पर अनुदान मिलता है। बाजार से महंगे दामों पर बीज और खाद खरीदना किसानों की पहुंच से दूर है। बड़सर उपमंडल के तहत कई पॉली हाउस शोपीस बने हुए हैं। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी मुख दर्शक बनकर सारा तमाशा देख रहे हैं। उधर किसान रमेश चंद्र ने बताया कि किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए पॉली हाउस योजना तो लाई गई, मगर उसके रखरखाव के उचित प्रबंध नहीं कह हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में संबंधित विभाग को भी कई बार बताया है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। के कारण जो है ना, मतलब तो उसमें सारा पॉली हाउस हमारा खराब हो गया, फट गया, पूरी तरह से फटा हुआ है। उसमें आवारा पशु जो बीच में घुस जाते हैं, बंदर घुस जाते हैं। ना तो हम कोई खेती बाड़ी मक्की लगा सकते हैं, ना तो गेहूँ लगा सकते हैं, ना कोई दूसरी चीजें लगा सकते हैं। सब्जियां लगाना तो बड़ी दूर की बात है। तो अब इतना हमारा नुकसान हुआ, क्योंकि जो जगह हमें मतलब उस पॉली हाउस के लिए छोड़ी है वो सारी हमारी जगह खाली है। ना हम कुछ खेती कर सकते हैं, ना सब्जियां लगा सकते हैं। खोखली बातें हैं, बार बार बोलते हैं अनुदान दे रहे, अनुदान दे रहे, अनुदान किसको दे रहे, कब दे रहे, ज्यादातर बार कोई चीज सरकार की नहीं है। ये सब किसानों को मुंह मारने वाली बात है। तो हम सरकार से बार बार गुजारिश करते हैं कि जो जो भी है उसमें मतलब किसानों की सुविधा के लिए और उसमें कुछ अनुदान दीजिए, कुछ सहयोग कीजिए। विभाग को भी कई बार बोला, विभाग भी इसमें कोई मदद नहीं करता है, ना ही सहयोग करता है। किसान अजय शर्मा का कहना है कि पिछले दो साल से विभाग को पॉली हाउस की मरम्मत के लिए एप्लीकेशन दी है, लेकिन आज तक विभाग ने कोई भी मदद नहीं की है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि पॉली हाउस की मरम्मत के लिए जल्द अनुदान राशि दी जाए। लोगों की आर्थिक स्थिति को, किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पॉली हाउस लगाए, पर वो जल्दी ही फट गए। और दो साल से हम एप्लीकेशन दे रहे हैं विभाग को, और विभाग इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, और वो पॉली हाउस पूरी तरह फट चुके हैं। हम दो साल से बड़े परेशान हैं, और हम चाहते हैं कि इसमें बीज बीजें और उसको इसका कार्य शुरू करें, मगर विभाग जो है वो इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि वो फटे हैं तो हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलें आ रही हैं जी। हम चाहते हैं कि हम विभाग से ये चाहते हैं कि विभाग हमारी जो जल्दी जल्दी शुरू हो जाए और हम खेती बाड़ी की ओर का काम चालू करें जल्दी जल्दी। और हम आपके माध्यम से सरकार को सचेत भी करना चाहते हैं कि अगर सरकार इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई नहीं करती तो हम वो हड़ताल भी कर देंगे। इस बारे में विषयवाद विशेषज्ञ सुरेश बनियाल का कहना है कि तूफान के कारण फटी हुई पॉली हाउस की मरम्मत के लिए 15 एप्लीकेशनें आई हैं। विभाग ने सरकार को बजट के लिए डिमांड भेज दी है और बजट जून महीने तक उपलब्ध होने की उम्मीद है। ये बताना चाहूंगा, अपने जो हमारे जैसे विकास खंड बिजली की मैं बात करूं, जो भी ग्रीन हाउस फटे थे कुछ किसानों ने हमारे पास एप्लीकेशन दी थी, और उसमें से जैसे मैं कहूं तो 15 एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं। 3 किसान ऐसे हैं जिनके पॉली हाउस की शीट्स चेंज कर दी गई हैं। लास्ट जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इसमें सब्सिडी पैटर्न जो है वो 80-20 किया जाएगा, उसके इंतजार में हैं कि कब ये नोटिफिकेशन हो और विभाग कब हमारे को बताए कि यह सब्सिडी जो है वो 80-20 की रेशियो में हो गई है। उसके बाद जो है वो ये युद्ध स्तर पर कार्य चलेगा, और जिन ग्रीन हाउस की शीट्स फटी हुई हैं और फार्मर बिलिंग हैं तो नो डाउट पैनल कंपनी जो है वो उनका काम करेंगी, विभाग उनसे काम करवाएगा। तो इसी महीने के लास्ट में रखो या नेक्स्ट जो आपका जून महीना है स्टार्टिंग में, मैं ये समझता हूँ कि उस नेक्स्ट मंथ से वो शुरू करें।